हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन स्टडी। ये वीडियो बेस्ड है ऑन टेबुलर डीआई। इससे पहले मैं पाई चार्ट की डीआई करवा चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। ये लेक्चर वन है, तो इसीलिए मैंने जो डीआई ली है वो भी लेक्चर वन के हिसाब से ली है, बिगनर लेवल की ली है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर आप हमसे पूछ सकते हैं, तीनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। बाकी आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी है वो आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर वन शुरू करने से पहले मैंने आप सबको बताया है कि हमें डायरेक्शंस पढ़नी बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने मेरी पहली वीडियो देखी है वो जानते हैं ये चीज़। डायरेक्शंस में दिया गया है कि एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी इन लाख रुपीज़ पर एनम ओवर द गिवन ईयर्स। ठीक है, गिवन ईयर्स में कंपनी किन किन चीज़ों पर खर्च रही है। 98, 99, 2000, 2001, 2002, यानी कि 5 सालों में कंपनी का खर्चा किन किन चीज़ों पर हो रहा है ये बताया गया है। सैलरी पे हो रहा है, फ्यूल ट्रांसपोर्ट पे हो रहा है, बोनस पे हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन्स पे हो रहा है, टैक्सेस पे हो रहा है। और हमें क्वेश्चन वन दिया गया है कि व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर विच द कंपनी हैड टू पे ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, तो हम जानते हैं हमें एवरेज निकालने को बोला गया है क्वेश्चन वन में। एवरेज निकालने का सबसे पहले हमें फॉर्मूला आना चाहिए। एवरेज किसके बराबर होती है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब हम यहां देखेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है। हमें बात की गई है इंटरेस्ट के बारे में, तो सम होता है जोड़ना, हमने जोड़ना है इंटरेस्ट को। ठीक है, तो हम इसको जोड़ते हैं यहां पे 4 + 5 = 9 + 6 = 15 + 4 = 19 + 4 = 23। दो कह रही है यहां पे 3 + 5 = 7 + 8 = 6 = 14 + 14 = 23 कह रही है यहां पे 2 + 2 = 3 + 7 = 11 + 14 = 18। ठीक है, तो ये कितना आ गया मेरे पास 183.3। ये आ गई सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? टोटल 5 है हमारे पास, 1, 2, 3, 4 और 5 ऑब्जर्वेशन है। ठीक, तो इसका आंसर कितना आएगा? 3 = 15 हो जाएगा, 3 नीचे और 3 यहाँ 33, तो 6 = 30 हो जाएगा, फिर 33 आएगा, फिर 6 = 30 एंड फिर 6। ठीक है, तो लाख में पूछा गया था आंसर, तो लाख में होगा। ठीक है, क्योंकि हमें आइटम्स कितने रुपीस में दी गई हैं, लाख्स में दी गई। आई होप आपको पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। द टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द गिवन ईयर्स इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी पेड। क्वेश्चन कह रहा है कि जो बोनस पे किया गया है वो कितने प्रतिशत है सैलरी पे के। प्रतिशत है तो हम 100 लगा देंगे। ठीक है, अब हम बोनस को टोटल करते हैं, कितना हो गया बोनस टोटल में? 2 + 4 = 6 + 8 = 14 = 20। ठीक है, 2 = 5 + 2 = 7 + 8 = 15 + 15 = 21 + 9 = 30 = 3 + 3 = 6 + 2 = 8 + 3 = 11 + 3 = 14 = 17। ठीक है, ये हो गया 17। अब सैलरी कितनी है हमारे पास? 8 + 10 = 14 + 20 + 2 = 8 = 10 = 14 + 6 = 2 = 16 + 3 = 19 + 21 = 2। ठीक है, 2 + 2 = 4 + 3 = 7 + 10 = 13 + 17। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया? ये आ गया 17 जो बोनस है, और सैलरी कितनी आ गई? 1710, क्योंकि हमने परसेंटेज निकालना तो हमने 100 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया। ये कितना हो गया? 1700 / 1710। 00 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ गया? 170/171। ये आंसर है आपका। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो ये समवॉट 0.99 अप्रॉक्सीमेटली बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल दीज आइटम्स इन 1998 वॉज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इन 2000। तो एक्सपेंडिचर जो 1998 में है डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर 2002 में है, वो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100। ये क्वेश्चन वैसे ही है जैसे पिछला क्वेश्चन था, तो इसको आप खुद सॉल्व करेंगे और नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। थोड़ा मैं आपको इसका ओवरव्यू देता हूँ। ये कह रहा है कि जो एक्सपेंडिचर है हमारे पास 1998 में, ठीक है, जैसे कि एक्सपेंडिचर क्या क्या है हमारे पास, सैलरी है, फ्यूल ट्रांसपोर्ट है, बोनस है, इंटरेस्ट ऑन लोन्स है, इनको ऐड करना है आपने और डिवाइड करना है वो एक्सपेंडिचर जो 2002 में है इनटू 100। क्यों? क्योंकि परसेंटेज पूछा गया है। तो जो आंसर आपका आएगा वो आपने नीचे कमेंट बॉक्स में उसको रिप्लाई करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th है, द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ओवर दीज आइटम्स ड्यूरिंग 2000 इज
देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत आसान लगेंगे, इनफैक्ट ये डीआई काफ़ी आसान है, लेकिन ये पहली वीडियो थी तो मैं बिगिनर लेवल की ही डीआई लाना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसी डीआई उठाई है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सपेंडिचर कितना है आपका 2000 में, ठीक है, सिंपल है, हमने इसको टोटल कर रहे हैं सिर्फ 324, 101, 3.84, 41.60 एंड 74। और आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये काफ़ी इजी डीआई है, लेकिन आपको मैं बता दूं जो क्लेरिकल लेवल में क्वेश्चंस आते हैं प्री में वो ऐसे ही होते हैं, लेकिन गेम कहाँ पर आती है, स्पीड पे। अगर आप इनको प्रैक्टिस रेगुलरली नहीं करेंगे, अपनी स्पीड को, कैलकुलेशंस को तेज़ नहीं करेंगे, तो आप ये टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और कैलकुलेशंस के लिए विशाल सर आपको काफ़ी ट्रिक्स बता रहे हैं, एंड जो चैप्टर्स की बेसिक्स हैं जैसे एज, परसेंटेज, रेशो प्रोपोर्शन, ये नितिन सर आपको करवा रहे हैं, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं वापस। तो हमने सिंपल इसको ऐड करना है, यहाँ पे वन कैरी था, 4+1 5 6 9 10 एंड 14, वन कैरी, 2+4 6 7 7 14, वन कैरी, 544.44। तो इसका आंसर कितना है, 544.44 और आगे लैक्स, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, द रेशो बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस फॉर ऑल द ईयर्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल द ईयर रिस्पेक्टिवली इज अप्रॉक्सीमेटली कितना, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है हमें रेशो किसके बीच में, टैक्सेस के बीच में और फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट के बीच में। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, हमने सिंपली क्या करना है, टैक्सेस को ऐड कर देना है एंड फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट को ऐड कर देना है और रेशो निकालना है इसका। तो हम करते हैं, 8 और 3 हो गए 11, 11 4 15, 15 और ये हो गए 16, 31, तो 3 कह रही यहाँ पे, 8 और 3 11, 11+0 0+7 18, +8 26 और 9 5 and 3 कह रही, तो ये कितना आ गया, 451 अपॉन फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट, 8 और 2 10 1 11, 11 और 3 14 और ये 16 एक कैरी, 9 और 1 10 1 11, 3 14 14 और 4 8 और 1 कैरी, 1 2 3 4 और 1 कैरी था, 586, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, 451:586। आज के लेक्चर से इतना ही है, अब जो बच्चे नए आए हैं उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारा प्रोसेस कैसे चल रहा है फिलहाल। देखिए नितिन सर आपको पढ़ा रहे हैं अर्थमेटिक सेक्शन, परसेंटेज वो कंप्लीट करवा चुके हैं एंड रेशो प्रोपोर्शन भी वो कंप्लीट करवा चुके हैं। इस समय वो एक चैप्टर है एजेस, जो रेशो एंड प्रोपोर्शन के अंडर ही आता है, वो करवा रहे हैं। विशाल सर नंबर सीरीज करवा चुके हैं, अब वो सिंप्लीफिकेशन करवा रहे हैं एंड मैं खुद आपको पाई चार्ट करवा चुका हुआ हूँ, ठीक है। अब मैं टेबल्स करवा रहा हूँ आपको, टेबल्स की 3 डीआई आएंगी आपको बिल्कुल बेसिक लेवल की, उसके बाद हम एडवांस जाना शुरू करेंगे। पाई चार्ट की 3 डीआई मैं आपको दे चुका हूँ बिल्कुल बेसिक लेवल की, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हम एडवांस जाना शुरू करेंगे यहाँ पर भी, ठीक है। ये आगे हमारी एक मैथ्स की सेक्शन, 35 नंबर की सेक्शन होती है पेपर में, तो ये कंप्लीट हम तीनों आपको करवा देंगे। अब हम बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन के बारे में, बात करें अगर रीजनिंग सेक्शन की, तो रीजनिंग सेक्शन श्रद्धा मैम एंड गोमिनी मैम करवा रहे हैं, ठीक है। सिलॉग्रिज्म श्रद्धा मैम कंप्लीट करवा चुके हैं, मशीन इनपुट आउटपुट करवा चुके हैं, अब वो सर्कुलर और लीनियर अरेंजमेंट्स करवा रहे हैं। अगर गोमिनी मैम की बात करूँ तो उन्होंने इनइक्वालिटीज कंप्लीट करवाया है और कोडेड इनइक्वालिटीज जो कि मेंस का टॉपिक है उसमें भी उन्होंने एक वीडियो दे दी हुई है आपको, ठीक है। ब्लड रिलेशंस फिलहाल वो करवा रहे हैं आपको, तो रीजनिंग सेक्शन भी 35 मार्क्स का आता है, वो गोमिनी मैम और श्रद्धा मैम आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। अब एंड में बच जाता है इंग्लिश सेक्शन, ठीक है, जिसके बहुत बच्चे बोल रहे थे कि हम वो नहीं करवा रहे हैं, तो हमने वो भी शुरू करवा दिया है। अंबिका मैम आपको वो कंप्लीट करवाएंगे, अंबिका मैम का प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करिएगा, इंग्लिश बाय अंबिका मैम के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे उनके लेक्चर्स हम डाल रहे हैं। तो पूरा का पूरा सिलेबस आपको यहाँ कंप्लीट करवाया जा रहा है। बैंक के लिए जितना भी बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, जितना भी क्वेश्चंस, जितने भी टॉपिक्स बनते हैं वो सारे आपको इस चैनल पे मिलेंगे, सब करवाया जाएगा। और जो लोग, जो बच्चे अकाउंट असिस्टेंट की भी तैयारी कर रहे हैं साइड बाय साइड, तो मैंने खुद लेक्चर्स डिलीवर किए हैं हिस्ट्री के ऊपर जितने भी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, आप उनको भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो दैट्स इट, जितना मैंने आपको बताना था इस वीडियो में, लेक्चर प्लस डिटेल्स मैंने आपको समझाई हैं। जो बच्चे नए हैं वो, उनके लिए मैं एक चीज़ और बोल देता हूँ कि आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसके नोट्स बनाइएगा, तभी आपको वो रिटेन होगी, तभी आपको समझ आएगी, क्योंकि जब तक आप इनको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये आप
इसमें एक्सपर्ट नहीं होंगे, इसमें गेम ही सिर्फ प्रैक्टिस की है। बाकी थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।